की वजह से हम तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। जाओ, जाओ यहां से। लेकिन क्या हुआ? ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बाप के जैसी है। वही आंखें जिसने हमें धोखा दिया था। इन आंखों के फरिंद में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और तुम्हारे बाप के प्यार में हम बर्बाद हो गए थे। जाओ तुम, जाओ 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 यहां से, जाओ। जाओ जाओ यहां से। तुम हमें हर उस दर्द की याद दिला रही हो जो लाल महल ने हमें दिया है। जाओ तुम, जाओ जाओ यहां से, चले जाओ। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमारा लाल महल से कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। हम यहां आपसे नरोत्तम के दोस्त के नाते से मिलने आए हैं। हम दोनों लाल महल की चार दीवारों के बीच अपना अपना धोखा जी रहे हैं, दर्द बांट रहे हैं। आपके और हमारे धोखे में ज्यादा अंतर नहीं है, बस दर्द अलग है। बातें बड़ी लुभाने वाली करती हो तुम। जानती हो तुम, हमने अपनी जिंदगी सफेद रंग में क्यों लपेट रखी है? क्यों? क्योंकि लाल रंग ने हमारे जीवन को बेरंग कर दिया है। और अब ये सफेद रंग, ये हमारे बेरंग जीवन का साथी है। ये सफेद रंग सुकून भी है। ये सफेद रंग हमसे कोई झूठे वादे नहीं करता, कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाता ये। लेकिन कोई रंगों से कब तक दूर रहेगा? सूरज लाल रंग से उगता भी है और उसकी लाली से डूबता भी है। तुम्हारी उम्र से ज्यादा जुदाई जी है मैंने बेटा। जियो तुम, अभी 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 जीवन की राह में चलना सीखा है तुमने। पर फिर भी तुम्हारी सच्चाई पर भरोसा करने का मन कर रहा है हमारा। पर तुम्हारे खून की फितरत पर भरोसा नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल तुम्हारा खून तेवर जरूर दिखाएगा। उसमें लाल महल का धोखा जरूर बनेगा और हमारे सफेद रंग का मजाक बनाएगा। इसलिए तुम जाओ और छोड़ दो हमें हमारे नसीब पर, और जीने दो हमें हमारी ये बेरंग जिंदगी। जाओ तुम, जाओ। खून और परवरिश में बहुत फर्क होता है। खून की तासीर को परवरिश बदल सकता है और हमारी परवरिश बनारस की है, लाल महल की नहीं। हमारी पगली पंडिताइन कहती है, सही हो तो झुको मत और गलत हो तो लड़ो मत। इसलिए हम सही का साथ देते हैं। तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है बेटा।
हम प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी परवरिश पर तुम्हारा खून कभी भारी ना पड़े। सालों बाद किसी से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। पम बोले शंकर, अनामी आई एम सॉरी, माँ की बात का बुरा मत मानना। माँ की तबीयत खराब है तो थोड़ा सदमे में रहती हैं। नहीं नरोत्तम, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि जब मन में तकलीफ होती है तो ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ में बहुत दम है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सब कुछ इग्नोर करके रह रही है, और आज के जमाने में ऐसा रहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अनामी नरोत्तम के साथ? क्या बात है, कहाँ घूम रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, इस तरह से बाहर घूमना सेफ नहीं है। और तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए। इतना सब कुछ हो चुका है, अगर अनामी के साथ कुछ हो जाता तो। तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। मुझे खबर मिली है कि लाल महल के बाहर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो भी एक्टिविटीज बाहर हो रही, हो सकता है इसका वात्सल्य मर्डर केस से लेना देना। अनामी, अब तो तुम भी लाल महल की वारिस घोषित हो चुकी हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी खतरा हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड केयरफुल फ्रॉम एवरीवन। And I mean everyone. तुम्हारी सेफ्टी के लिए फोन लेकर आया। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी अर्जेंट काम हो मुझे कॉल करना। चंता हवलदार ने कहा था वात्सल्य केस के सारे सुराग इसी लाल महल में दबे हैं, लेकिन यहाँ सब तो वात्सल्य के अपने ही हैं। तो फिर किसी प्रॉब्लम होगी उससे, और वो भी क्यों? जब घरौंदे में दरवाजे की जरूरत, आरी बाके पेड़ का सीना चीरते, तब सिर्फ पेड़ नहीं कटता। कुछ चिड़ियों के घोंसले भी टूटते हैं, कुछ चूजों वाले अंडे भी टूटते हैं, तो खाना बदोश फैल जाता है। राहुल, बुरा लगता था जब अनजाने में चिड़ियों के घोंसले टूटते थे, और तब ज्यादा बुरा लगता था जब पूजन चाचू चिड़ियों को अपना निशाना जांचते थे। एक पल में जो चिड़िया आसमान में आजाद उठ रही, दूसरे ही पल जमीन में मरी हुई पड़ी होती। बिखरे होते थे उसके पंख, क्या हवा। बहुत नफरत होती थी तब पूजन चाचू से, जब वो इतने निर्दयी होते थे।
ये मटुकनाथ गिरधरी चाचा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों ले जाना चाहती हैं हमें पूजा में? फिर वहां कोई बवाल होगा, हमें मत ही ले जाइए। ये सिर्फ पूजा नहीं है योनामी, पूजा के साथ साथ हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाना चाहते हैं, जो तुम्हारा है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ की चीजों में, हमें अपने लोग चाहिए, जो कि यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। और जो अपने हैं उनसे हमें दूर कर दिया गया है। अगर किसी का हक मारना गुनाह है, उसे छोड़ देना भी तो गुनाह है। वात्सल्य अभी नहीं है, अपने पीछे वो बहुत कुछ अधूरा छोड़ गया है, और उस अधूरेपन को तुमने पूरा करना है। नामी, वात्सल्य से हमारा प्यार का बंधन है, किसी हक या अधिकार का नहीं। ये हक अधिकार शानो शौकत धन दौलत के प्यार से प्यार छीन लेते हैं, और हम ये अपने साथ कभी नहीं होने देंगे। इसलिए प्लीज बड़े मियां की मैडम, हम आपके हक के अखाड़े में नहीं उतरना चाहते। मातम करके प्यार नहीं जिताया जाता है, प्यार को साबित करना पड़ता है। हम जानते हैं तुम वात्सल्य को इंसाफ दिलाना चाहती हो, इसलिए तो लाल महल में बनवास छिड़ी। सही कहा ना मैंने, जब तुमने वात्सल्य के कमरे की चाबी मांगी ना? हम जान गए थे कि वात्सल्य ने तुम्हें यहाँ रोक के रखा हुआ है। जिस वात्सल्य ने तुम्हें यहाँ रोक के रखा है ना बेटा, वही चाहता है कि तुम उसकी जगह ले लो। अगर हमारी बात भी यकीन नहीं है तो तुम्हारे हाथ पे ये रक्षा सूत्र बंधा हुआ जो है उसे देख लो। जब कोई भी नहीं जानता था कि तुम सतरूपा की बेटी हो, तो वत्सल्य ने तुम्हें पहचान लिया, अपना रक्षा सूत्र तुम्हें दे दिया। बस बेटा, सिर्फ उस हक के लिए हमारे साथ चलो। पुश्तों से ये हार तुम्हारे वंश के वारिस के गले में रहा है। अब समय ने अनामी को वारिस बना के पेश किया है। अब उसका गला इस हार का असली हकदार है। विक्रमादित्य, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। पापा, जिस खुशी से आपने वात्सल्य को यह हार पहनाया था, उसी खुशी से अनामी को भी पहना दीजिए।